माताओं बहनों भाइयों, चेला ढांक बजा रहे थे गुरुजी माद में, उसी समय तक्षक नाग आ गया। कहने लगा क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी जमीन में हम ढांक बजा रहे। बोले ढांक बजा रहे हो? अरे हरामियों, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, गुरुजी को सड़ाए रहे हो जमीन में दाबे। अगर जिंदा हो तो फिर ढांक बजाओ, मर गए हो तो काय मरे जाए रे। चेला घबरा गए, गुरुजी के मिट्टी को उठा उखाड़ करके जैसे ही जमीन पे ऊपर रख लिया। अब गुरुजी की श्वासें चल रही थी, श्वास ही श्वास में धनवंतर ने कुछ शब्द कहे। बोले हरामियों, तुमने ये क्या कहा, तुमने ये क्या किया है? तक्षक ने जो कहा तुमने तक्षक ही बात मान के, अब तो गजब हो गया, अब हमारा अंतिम समय आ गया, नाग दस लेगा, सरंगी ऋषि का श्राप है। तो धनवंतर अपने शिष्य को जीवित करने के लिए चले माताओं बहनों। इधर तक्षक नाग डसने के लिए चला, रास्ता में भेंट हो जाती है। तक्षक नाग ने कहा कहां जा रहे हो आप? बोले तुम कहां जा रहे? बोले हम परीक्षित को डसने जा रहे। बोले तुम परीक्षित को डसने जा रहे, हम परीक्षित को जीवित करने जा रहे। तक्षक नाग के लगा बाजी बाबा के दिमाग खराब है, परीक्षित को जो नाग डसेगा वो तो ना बिसेला नाग है, जिसकी फुसकार से सामने ये बटवृक्ष खड़ा है ये भी जला के राख कर देगा। धनवंतर बोले अगर तू राख कर देगा तो हम इसे हरा भरा बना देंगे। धनवंतर के पास वो विद्या थी कि कितना भी जहरीला सर्प हो एक बार दृष्टि पड़ जाए। उसी समय तक्षक नांग से धनवंतर ने कहा है कि अगर तुम अपना बल दिखा रहे हो तो थोड़ा बल का परिचय कराएं। उसी समय तक्षक नाग ने फुस्कार मारी, और खग मंडल पे हाल हुआ, और धनवंतर की नजरों से वो हरा भरा तत्काल हुआ। फुस्कार मारी, बरी के वृक्ष पे एक लकड़हारा लकड़ियों काट रहा था, जैसे ही देखा वृक्ष राख हो गया। धनवंतर ने नजर घुमाई, वृक्ष हरा भरा हो गया। अब तो तक्षक नाग सोचने लगा कि परीक्षित को जीवित करेंगे, श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठा हो जाएगा और हमारी शक्ति को भी ये बर्बाद करेंगे। उसी समय तक्षक नाग आगे जाके सुंदर सा एक सोटा बन गया धनवंतर ब्राह्मण को। उसी समय महात्मा धनवंतर ने देखा कि सोटा बड़ा अच्छा है, बुढ़ापे में सोटा का सहारा लेना अति आवश्यक होता है। सोटा समझ के धनवंतर ने उठा लिया, जैसी उठाया है कंधे पर रख लिया,